हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी साइंस का पांचवा पार्ट्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आ रहे हैं, तो एक बार इस चैनल को पूरी तरह से विजिट करिए और पूरा साइंस का सीरीज देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक हर्ट्ज है। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन कहां पर होते हैं? नाभिक के भीतर। जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। कार्बोरेटर होता है, क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती है, इसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, RBC। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो क्या कारण है? तो इसका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि या शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़ों का जो प्रभाव होता है वो गठिया, जो रोग होते हैं जोड़ों को प्रभावित कर, से घुटनों में होता है। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, और सफेद चीजें जो प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है और एब्जॉर्ब कम करता है, इसलिए सफेद कपड़े गर्मी में बेहतर होते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो जब बारिश होने से पहले देखते हैं बिजली कभी कभी चमकती है, तो बिजली पहले चमकती है और ध्वनि जो है बाद में दिखाई में सुनाई देती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल से अधिक है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो भूक्षरण को वृक्षारोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले को जलने से बनती है, तो कोयले को जलने से क्या बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, तो कैसी होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वायु में। मैन ए 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसलिए हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। पंखा करने से जब गर्मी के समय में शरीर में ठंडा की अनुभवी क्यों उत्पन्न होती है? तो जब पंखा करने से अनुभव ठंडा में इसलिए लगता है क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। पसीना हमारे शरीर से उड़ के वाष्प बनने लगता है, इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, अर्थात अर्थिंग से जुड़ा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, जो हम घर में अर्थिंग यूज करते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है यह। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। इसका मतलब है कि पानी का जो घनत्व है ज्यादा होता है और बर्फ का घनत्व कम होता है, तो जिसका घनत्व कम होगा वह तैरेगा और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह भारी होगा, नीचे बैठ जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस वह चमकता है उत्तल लेंस की भांति। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था।
परम दाब क्या है? 1 गज दाब + 1 bar = परम दाब होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है, तो परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्की के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नहीं, पूछ रहा है कि एक ग्लास में पानी है और उसमें बर्फ भी है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ जब पानी में पिघल जाएगा तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? उस ग्लास के जो पानी उसमें भरा हुआ है, तो उसका परिवर्तन कुछ नहीं होगा, वह पानी का स्तर अपरिवर्तित ही रहेगा। डाइन इकाई है, तो किसकी इकाई है? तो डाइन बल्क की इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? तो समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत 10 है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, तो वेलोसिटी से गिरती है या त्वरण से? तो एक समान त्वरण से गिरती है। लीप ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। राइजोबियम लेग्यूमेनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, जनरली दलहन के पौधों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया, ये तो आंसर हो गया जर में। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट पर 212 डिग्री फारेनहाइट है। के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक है। सोने का संकेत क्या है? तो सोने का संकेत AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। Na क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है और इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ग्रंथियों का मास्टर है ये पीयूष ग्रंथि। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, पूछा जाता है कि डिप्थीरिया बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह गला को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविजन के आविष्कारक JL Baird। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv², जहां m होता है मास, v होता है वेलोसिटी। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्फ का जल स्तर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि बर्फ पिघल के तो उसी बर्तन में है, तो पानी अपरिवर्तित रहेगा उसका स्तर। पृथ्वी की परपटी भूपरपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलता है? तो पृथ्वी की भूपरपटी पर एल्यूमिनियम बहुतायत मात्रा में मिलता है। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इस तरह के वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। एक बार हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑनलाइन क्वेश्चन अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।